बहुत वधिया उपराला किया जी। ये मैं कल्ले ने नहीं किया, सारी पंचायत ने, सारे नगर ने, मंदिर कमेटी ने, सारे जने ने रल के जो भी आता। बाकी बाबा जी उन्हां दी बड़ी तगड़ी देण आ, इन्हां ने सानू कहा ही, इन्हां दे कहन ते अही जिहड़ा ये बुत जिहड़ा वह तैयार किया वा। तो हुण मैं ये गल एक जरूर चाहुंदा, मेरे मन की एक ख्वाहिश आ, जे बुत इस चौंक च लग गया तो इस चौंक का नाम ही डॉक्टर अंबेदकर जी रखना चाहिए, डॉक्टर अंबेदकर चौंक पंगाली। सर अज तुहानू माण महसूस हो रहा जी? बहुत ज़्यादा जी, पंजाब दा पहला पिंड। हाँ बहुत ज़्यादा माण महसूस हो रहा जी, मैं तो वैसे अपने आप नू बहुत महसूस कर रहा, क्योंकि मेरी जिहड़ी पंचायत आ, अज मैं जिन्ने मर्जी पिंड दे काम हो गए आ, पर जो ये अज जिहड़ा स्टैचू लगा डॉक्टर साहब का, ये ला के मैं अपनी पंचायत के जिन्ने भी काम होए आ, मैं उन्होंने समझना भी साड़ी पंचायत जिहड़ी उह पूरे काम कर चुकी है। बाकी जो मर्जी अगे तो जिहड़ा मर्जी कोई सरपंच बन जाए, जो मर्जी बन जाए, मैं ये गल जरूर कहना कि मेरा जिहड़ा इहो बुत लगन दे नाल सारा जिहड़ा वा क्लीयर होया कि मैं जिहड़ा वा अपनी पंचायत नूं नाल लैके, सारी पंचायत साढ़े विच कोई पार्टी नहीं, कोई मतलब इहो जी कोई गल नहीं हैगी, इस करके मतलब सारे नगर ने संजोग दिता जी सानूं, तो फिर इतों तक आप पहुँचे हैं जी, सारा नगर पिंड का ते नाल मंदिर कमेटी ने, ते सब तो ज़्यादा संजोग महापुरख संत मलकीत नाथ जी, इन्हों का संजोग आ, इन्हों सारे ने रल के साडा जिहड़ा साथ दिता, इन्हों ना साडी समय समय से भी गल हुंदी रही आ, उस करके सारा जिहड़ा इतों तक आप पहुँचे हैं जी। मैं साढ़े चुचेचे तौर पर पहुँचे संत मलकीत नाथ जी, उन्हों का स्वागत करदा अपने नगर वालों, और समुची जी ग्राम पंचायत है सरपंच निशान सिंह पंगाली, तो इन्हों की ग्राम पंचायत बाल्मीक सभा पंगाली कलां नूं वधाई दिंदा कि उन्होंने पंजाब च पहला नगर होने की मिसाल कायम की है, जिहड़ा डॉक्टर भीम साहब बाबा साहब का अंबेदकर लगाया, पुत्र पुत लगाया, और ये एक प्रेरणा स्रोत साढ़े आने वाली नवीं पीढ़ियों वास्ते सदा वास्ते रहेगा। सर डॉक्टर साहब संविधान के रचेता भी ने, उन्होंने संविधान बारे आम लोगों को कहना चाहते हैं? संविधान में बहुत कुछ लिखा है, मैं आम पब्लिक में गल कहांगा, संविधान जिथे सानू अधिकार दिंदा है ते साडी ड्यूटी फिक्स करता है, साडा अधिकार है बोलन दा, रहन दा, धर्म नू पालना करन दा, काम कार करन दा, उहदे नाल नाल साडी ड्यूटीज़ भी लगाईआं ने। संविधान नू तुसीं पढ़ोगे ते तुसीं देखोगे कि इन्ना डिटेल च, इन्ना विस्तार च, हर एक नुक्ते निगाह नाल एक कंप्लीट संविधान उन्होंने सानू तैयार करके दिता सी। सर मेरा ख्याल है कि संविधान लिखा जरूर है पर सरकार किसी की भी होंगी है, पर पूरी तरह आप कह सकते कि संपूर्णता तौर पर लागू नहीं होता, कहना चाहूँगा? देखो डेमोक्रेसी है, जिहड़ी सरकार संविधान मुताबक नहीं चलेगी पब्लिक उन्हें बदल देगी। बाबा साहब ने 5 साल बाद इलैक्शन का प्रोसीजर इस करके बनाया जिहड़ा काम कानून मुताबक करेगा, पब्लिक के इंट्रस्ट हित करेगा, उन्होंने दोबारा चुनेगी, जिहड़ा नहीं करेगा उन्होंने चेंज कर देगी। मैं संत मलकीत नाथ पावन वाल भी तीर्थ, अज बहुत खुशी का दिहाड़ा के भारत रत्न जिन्होंने अपना संविधान लिखा वा उन्हों का बुत पंजाब दे विच पहले नंबर के पिंड आ जिथे बुत लग गया वा। इस शुभ दिहाड़े की पंचायत नगर वासियों और मंदिर कमेटी लख लख वधाई देने।